बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, जो कि हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड क्लास 10th। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स, यानी कि ये दोनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट बनाते हैं। सबसे पहले हम ओवरीज की बात करते हैं। ओवल शेप ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। ये तादाद में दो होते हैं, यानी कि पैर में होते हैं। एग ओवरी के अंदर बनते हैं। ओवरी के अंदर क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज सेल होते हैं, जिनको हम फोलिकल कहते हैं। फोलिकल एग की नरिशिंग करता है, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि पिछले टॉपिक में ओजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, यानी कि एग का बनना। तो एग जो बनने का जो प्रोसेस है, जिसे हम ओजेनेसिस कहते हैं, वो ओवरी के अंदर होता है। दूसरी जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, दैट आर डक्ट्स। पहला जो डक है हमारे पास, दैट इज फलोपियन ट्यूब। एक चूंकि ओवरी में बनता है, अब बनने के बाद फर्टिलाइज होने के लिए या फिर न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए रिप्रोडक्शन में दो चीजों की जरूरत होती है, वन इज एग एंड सेकेंड इज स्पर्म। अब ओवरी के अंदर एक बन गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहीं पे स्टे करता है, उसे ट्रेवल करना होता है। तो जो फलोपियन ट्यूब है उसके ओवरी के बिल्कुल करीब होता है, यहाँ पे मूव करते हुए फलोपियन ट्यूब में आ जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इस फलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फर्टिलाइज जो एग होता है, जिसे हम जायगोट कहते हैं, फर्टिलाइज एग का मतलब है स्पर्म और एग का मिलना। स्पर्म के मिलने के बाद एक को हम फर्टिलाइज एग कहेंगे, और ये दूसरा नाम जो है जायगोट होगा। ये जायगोट आगे की तरफ ट्रेवल करता है, क्योंकि इसका जो लास्ट जो डेस्टिनेशन है, दैट इज यूट्रस। एक और पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसका डेस्टिनेशन जो है यूट्रस है, तो वो यहाँ से आगे मूव करेगा यूट्रस में। यूट्रस डिवाइड होता है टू पार्ट्स में या फिर हॉर्न्स में। टू पार्ट्स हैं, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, और इनको हम हॉर्न्स कहते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं, यूट्रस हॉर्न्स जॉइन एंड ओपन इनटू द वजाइना। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक ही जगह पे ओपन होते हैं, दैट इज विजाइना। विजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सर्विक्स जो है यूट्रस में एक पोर्शन है यहाँ, या इसे जंक्शन कहेंगे, जहां पे बर्थ कैनाल और यूट्रस दोनों मिल जाते हैं। और इसी जगह पे सर्विक्स में ही मेल स्पर्म डिपॉजिट होते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।